नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। अपन पढ़ रहे हैं इस समय कारक। कारक अगर आप समझते हो तो इसके बाद में, जस्ट बाद में अनुवाद प्रकरण आपको करवाऊंगा, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना, वो भी कारक पर ही आधारित टॉपिक है। और अब अपन कारक के अंतिम पड़ाव में है, जो बड़े कारक थे द्वितीय से लेके पंचमी विभक्ति तक, वो मैं आपको लास्ट वीडियो में करवा चुका हूं। अब अपना नेक्स्ट कारक आता है संबंध कारक। संबंध कारक में लगती है षष्ठी विभक्ति, और इसकी मैंने आपको पहचान बता रखी है, एक वचन में इसके श्य लगता है और बहुवचन में नाम या नाम लगता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका पहला पॉइंट देखिए। पहला पॉइंट ये कहता है कि संबंध में षष्ठी विभक्ति लगती है। संबंध में षष्ठी विभक्ति लगती है। जब दो पदार्थों, दो वस्तुओं, दो इंसानों के बीच कोई संबंध बन जाए, उस संबंध के अंदर हमेशा षष्ठी विभक्ति लगेगी। जैसे क्वेश्चन आ जाए, रामः संस्कृतस्य, रामः संस्कृतस्य पुस्तकम् पढ़ती, रामः संस्कृतस्य पुस्तकम् पढ़ती। राम संस्कृत की पुस्तक पढ़ रहा है। अगर देखिए प्यारे विद्यार्थी, तो खाली इतना होता है रामः पुस्तकम् पढ़ती, राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो अब वो किसी की भी पढ़ सकता है, हिंदी, गणित, सामाजिक, संस्कृत, किसी की भी पुस्तक पढ़ सकता है। परंतु यहां पर देखिए इसने क्या कहा है कि राम संस्कृत की पुस्तक पढ़ रहा है, तो एक तरह से राम का उस संस्कृत की पुस्तक के साथ क्या बन गया, संबंध बन गया। और संबंध के अंदर आपको पता है कौन सी विभक्ति लगती है, षष्ठी विभक्ति। तो अपन क्या कारण लिखेंगे, संबंध कारक के योग में संस्कृतस्य में षष्ठी विभक्ति है। क्यों? क्योंकि संस्कृत का और राम का आपस में क्या बन गया, संबंध बन गया। अब दूसरा पॉइंट बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी देखिए पंचमी विभक्ति में मैंने आपको एक पॉइंट कराया कि जब दो पदार्थों में से किसी एक की विशेषता बताई जाए तो उसमें पंचमी विभक्ति लगती है। परंतु देखिए अपना पॉइंट ये कह रहा है कि जब बहुत सारों में से, दो में से एक की बताई गई विशेषता, तब तो पंचमी लगेगी, और जब बहुत सारों में से किसी एक की विशेषता बताई जाए, जब बहुत सारों में से किसी एक की विशेषता बताई जाए, तो जिससे विशेषता बताते हैं, जिससे विशेषता बताते हैं, उसमें ईष्ठन और तमप प्रत्यय, ईष्ठन और तमप प्रत्यय के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है, षष्ठी विभक्ति लगती है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों क्या कह रहा है कि जब बहुत सारों में से किसी एक की, जैसे कहते हैं कि सभी छात्रों में राम बुद्धिमान है, तो यहां पर बहुत सारे छात्रों में से राम को बुद्धिमान बताया गया, तो विभक्ति किस में लगेगी, सभी छात्रों में से, क्योंकि राम की विशेषता किससे बताई गई है, सभी छात्रों में से। अब देखिए यहां पर आ जाइए, दो प्रत्यय हैं आपके सामने, ईष्ठन, जहां पर श और ठ आ जाए उसमें तो ईष्ठन प्रत्यय होगा, जहां पर तम प्रत्यय में क्या होता है, इस प का लोप हो जाता है और तम शेष बचता है, तो जहां पर तम आ जाए वहां पर षष्ठी अथवा सप्तमी विभक्ति, ये मैं आपको बताना भूल गया, इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियां लगती है। अब ये इसके अंदर आप ये सोच रहे थे कि सर एक विभक्ति पढ़नी पड़ रही थी एक पॉइंट में, अब दो दो विभक्तियां होगी, तो इसमें अपनी हेल्प करेगा जो विभक्ति पहचान मैंने बता रखी है, षष्ठी की तो श्य और नाम या नाम। अब ये बहुत सारों में से, तो पहली चीज है बहुवचन में आएगा, तो बहुवचन में नाम या नाम आ जाए
तब तो षष्ठी विभक्ति, और यदि कहीं पर शु आ जाए तो सप्त विभक्ति लगेगी। जैसे देखिए कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठः, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो यहां पर कालिदास की अन्य कवियों से क्या बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, विशेषता बताई जा रही है, तो विभक्ति किसमें लगेगी, कवियों में, क्योंकि पॉइंट क्या कह रहा है कि जिससे विशेषता बताई जाए, तो यहां पर कालिदास की अन्य कवियों से विशेषता बताई जा रही है, इसलिए विभक्ति लगेगी कवि नाम में। अब कवि नाम आया, नाम या नाम है, इसका मतलब ये षष्ठी विभक्ति है, और यही इस रूप में भी आ सकता है कवि शु, इसी को अपन इस रूप में भी लिख सकते हैं कवि शु। अब कवि शु आ गया, इसका मतलब इसमें सप्तमी विभक्ति है, और अब इसमें कारण क्या है, श और ठ आया है, इसका मतलब इसमें कौन सा प्रत्यय है, इष्ठन प्रत्यय है, तो एक मैं आपको षष्ठी का समझा देता हूं, एक लिखा दूंगा सप्तमी का, तो इसमें तो आप कारण लिखोगे इष्ठन प्रत्यय के योग में कवि नाम में षष्ठी विभक्ति है। जैसे क्वेश्चन आ जाए छात्रेषु सुरेशः पटुतमः अस्ति, छात्रों में सुरेश पटुतमः मिस बुद्धिमान है, तो यहां पर सुरेश की अन्य छात्रों से विशेषता बताई गई है, इसलिए छात्रेषु में आ जाएगा, शु आया है, इसका मतलब सप्तमी विभक्ति। अब कारण तम, देखिए तम किस में आता है, तम प्रत्यय में, तो पहले में तो आ जाएगा देखिए इष्ठन प्रत्यय के योग में, इष्ठन प्रत्यय के योग में कवि नाम में षष्ठी विभक्ति है, और दूसरे में आ जाएगा आपके तमप प्रत्यय के योग में, तमप प्रत्यय के योग में छात्रेषु में सप्तमी विभक्ति है, तम प्रत्यय के योग में छात्रेषु में सप्तमी विभक्ति है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्यारे विद्यार्थियों। अगला पॉइंट आ जाइए, सेम इसी की तरह है, तीसरा पॉइंट ये कहता है कि तुल्यवाची शब्दों के योग में षष्ठी अथवा तृतीय विभक्ति लगती है, तुल्यवाची शब्दों के योग में षष्ठी अथवा तृतीय विभक्ति लगती है। तुल्यवाची, जहां पर दो पदार्थों, दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों के बीच में तुलना की जाए, देखो विशेषता में तो एक को दूसरे से श्रेष्ठ बताया जाता है, और तुलना हमेशा दो समान व्यक्तियों के बीच में होती है, जैसे कहते हैं राम श्याम के तुल्य है, तो राम श्याम के जैसा ही है, अगर राम बुद्धिमान है तो श्याम भी बुद्धिमान है, राम मूर्ख है तो श्याम भी मूर्ख है, यानी कि तुलना हमेशा दो समान व्यक्तियों के बीच में होती है। इसमें अब पहले में अभी षष्ठी अथवा सप्तमी लग रही थी, इसमें षष्ठी अथवा तृतीय लग रही है। अब षष्ठी की तो मैंने आपको पहचान बताई, श्य और नाम या नाम, और तृतीय की पहचान होती है अंतिम वर्ण के ऊपर ए की मात्रा और न या न, और स्त्रीलिंग में पहचान होती है आ की मात्रा हटाकर या लगाना है। जैसे क्वेश्चन आ जाए सुरेशः महेशस्य तुल्यः अस्ति, आप पहली चीज ये कि सुरेश महेश के तुल्य है, तुल्य शब्द आते ही आपको पता चल जाएगा कि तुल्यवाची शब्द है। अब कि सुरेश महेश के तुल्य है, जैसे आपने देखा तुल्यवाची शब्द है, अब श्य आया है तो इसके अंदर कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति, और यही क्वेश्चन इस रूप में भी आ सकता है, महेशस्य की जगह आ सकता है महेशेन, तो अगर महेशेन आ जाए तब तो आप कारण लिखोगे तुल्यवाची शब्द के योग में महेशेन में तृतीय विभक्ति है, और श्य आ जाए महेशस्य आ जाए तो तुल्यवाची शब्द के योग में महेशस्य में षष्ठी विभक्ति। तो एक पॉइंट आप लिख लीजिए इसका, आपको षष्ठी विभक्ति का,
और एक मैं आपको लिखवा देता हूं तृतीय विभक्ति का, जैसे शीता गीतया तुल्या विद्यते, शीता गीता के तुल्य है। अब यहां पर पुलिंग था इसलिए तुल्य आ गया, यहां पर स्त्रीलिंग है इसलिए तुल्य आ गया। अब मूल शब्द है गीता, आ की मात्रा डाई या जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इस शब्द में तृतीय विभक्ति और इसमें षष्ठी विभक्ति है। तो पहले में आप कारण लिखोगे तुल्यवाची शब्द के योग में महिषस्य में षष्ठी विभक्ति है, और दूसरे में सेम कारण लिखोगे तुल्यवाची शब्द के योग में गीतिया शब्द में तृतीय विभक्ति है। ठीक है, अब नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट ये कहता है कि कुछ शब्द लिख रहा हूं आपके सामने, निम्नलिखित शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति लगती है। वो शब्द है अधः, अधः मीन्स नीचे, ऊपरी ऊपर, समक्षम सामने, समीपम समीप में या पास में, कृते के लिए, मध्य मध्य में बीच में, और अंतः अंतः में अंदर। ये शब्द प्यारे विद्यार्थियों अधः ऊपरी समक्षम समीपम कृते मध्य और अंतः, ये शब्द जिस सेंटेंस में आ जाए उसमें हमेशा षष्ठी विभक्ति लगेगी। जैसे क्वेश्चन आ गया वृक्षस्य अधः बालकः शेते, देखिए इन सब के उदाहरण नहीं लिखवा रहा, ये वर्ड जिस सेंटेंस में आ जाए उसमें षष्ठी विभक्ति ही लगेगी। जैसे क्वेश्चन आ गया बालकस्य कृते दुग्धम आन्य, तो आपने जैसे ही सेंटेंस में देखा अध्यह शब्द आया है, तो अगर आपने पॉइंट याद कर रखा तो अधः शब्द जैसे ही देखोगे आप लिखोगे अधः शब्द के योग में वृक्षस्य में, अधः शब्द के योग में वृक्षस्य में षष्ठी विभक्ति है। और दूसरे में आ गया कृते, तो कृते शब्द के योग में, कृते शब्द के योग में बालकस्य में षष्ठी विभक्ति है। ये आपके संबंध कारक कंप्लीट हो गया। इसी वीडियो के अंदर मैं आपको, क्योंकि अगला भी छोटा ही है इसलिए इसी वीडियो में मैं आपको लास्ट और अधिकरण कारक, लास्ट कारक है वो है आपका अधिकरण कारक। अब अपन स्टार्ट करते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति लगती है, इसमें आपको पता है सप्तमी विभक्ति की मैंने आपको पहचान बता रखी है, अंतिम वर्ण के ऊपर एक ही मात्रा एक वचन में और बहुवचन में शु है ना। अब पहला पॉइंट ये कहता है इसका, क्रिया की सिद्धि में, क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। क्रिया की सिद्धि में जो आधार होता है उसकी अधिकरण संज्ञा होती है। क्रिया की सिद्धि, सिद्धि मतलब पूरा करने में, जैसे आप बैठे हो स्टूल चेयर पे बैठे हो तो बैठना क्रिया होगी, किस पर बैठे हो चेयर के ऊपर, तो चेयर उस क्रिया का आधार हो गया इसलिए चेयर क्या कहलाएगी अधिकरण कारक। जैसे आप प्लेट में खाना खा रहे हो तो खाना खाने का आधार क्या हो गया प्लेट हो गया, तो प्लेट क्या कहलाएगी अधिकरण कारक कहलाएगी। जैसे क्वेश्चन आ गया नृपः सिंहासने
तिष्ठति, तिलेषु तेलम विद्यते। पहला है कि राजा सिंहासन पर बैठा है, बैठना क्रिया हो गई, बैठना क्रिया का आधार किस पर बैठा है, सिंहासन पर, तो सिंहासन इस बैठना क्रिया का आधार हो गया और आधार कहलाता अधिकरण कारक। तिलों में तेल रहता है तो तेल के रहने का आधार क्या हो गया, तिल, इसलिए तिल क्या कहलाएंगे, अधिकरण कारक कहलाएंगे। तो अपन इसमें क्या कारण लिखेंगे, अधिकरण, अधिकरण कारक के योग में सिंहासने और तिलेषु में सप्तमी विभक्ति है। अधिकरण ये पहला पॉइंट है, किसी भी कारक का पहला पॉइंट हमेशा अनुवाद प्रकरण में काम आता है, जो क्रिया को पूरा करने में आधार होगा वो आधार हमेशा अधिकरण कारक कहलाता है। दूसरा है, दो शब्द है आपके, श्रद्धा और विश्वास। श्रद्धा और विश्वास इन शब्दों में हमेशा सप्तमी विभक्ति लगती है। जैसे कृष्ण आ गया, बालकस्य पित्री श्रद्धा अस्ति, बालकस्य पित्री श्रद्धा अस्ति। और दूसरा मान लीजिए क्वेश्चन आ गया, महेशस्य स्वामित्रे विश्वासः अस्ति। तो अगर आपने पॉइंट अच्छे से याद कर रखा है तो देखिए, जैसे ही आपने देखा श्रद्धा शब्द है तो श्रद्धा शब्द के योग में पितरी में सप्तमी विभक्ति लग जाएगी, और दूसरे में विश्वास शब्द आया तो विश्वास शब्द के योग में, तो पहले में अपन क्या कारण लिखेंगे, श्रद्धा शब्द है, ये ध्यान रखना शब्द है ये, श्रद्धा शब्द के योग में पितरी में सप्तमी विभक्ति है, और दूसरे में अपन कारण लिखेंगे विश्वास, विश्वास शब्द के योग में स्वामित्रे में सप्तमी विभक्ति है। ये आपके दो पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट पे आ जाइए, तीसरा पॉइंट भी दो शब्द है इसमें, चतुर। चतुर का अर्थ होता है होशियार, और दूसरा है आपके संलग्न। संलग्न का अर्थ होता है काम में लगना। ये दो शब्द जहां पर आएंगे, चतुर और संलग्न शब्द जहां पर आ जाएं, उसमें हमेशा सप्तमी विभक्ति लगेगी। जैसे रामः संस्कृते चतुरः अस्ति, बलदेवः स्वकार्ये संलग्न अस्ति। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही आपने फर्स्ट पॉइंट में देखा चतुर शब्द है, तो चतुर शब्द के योग में चतुर चतुर शब्द के योग में संस्कृते में सप्तमी विभक्ति है, और दूसरे में अपने संलग्न शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति है, स्वकार्य में सप्तमी विभक्ति है। अंतिम पॉइंट इसका, अंतिम पॉइंट ये कहता है, जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो, जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ हो तो प्रथम क्रिया के कर्ता और क्रिया दोनों में सप्तमी विभक्ति लगती है। जब एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया आरंभ हो
तो प्रथम क्रिया की जो कर्ता होगा उसमें भी सप्त विभक्ति लगेगी और क्रिया में भी सप्त विभक्ति लगेगी। जैसे आप विद्यालय गए और प्रार्थना की, तो पहली क्रिया क्या होगी? आपका विद्यालय जाना, और दूसरी क्रिया क्या होगी? प्रार्थना करना। तो पहली क्रिया का कर्ता हो गया आप और प्रार्थना करना होगी, क्रिया दोनों के अंदर सप्त विभक्ति लगेगी। जैसे क्वेश्चन आ गया, रामे वनम गते दशरथ प्राणान अत्यजत। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राम के वन जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, पहली क्रिया क्या हुई? राम का वन जाना। जैसे ही राम वन गए, दूसरी क्रिया क्या हुई? दशरथ का प्राण त्यागना। एक के बाद दूसरी क्रिया, दोनों ही क्रियाएं आपस में संबंधित होनी चाहिए। तो पहली क्रिया का कर्ता कौन हो गया? रामे, और जाना गते यानी कि क्रिया होगी, तो दोनों के अंदर सप्त विभक्ति है, दोनों के अंदर सप्त विभक्ति है। अब आप देख लो, म के ऊपर एक ही मात्रा और त के ऊपर एक ही मात्रा, एक ही मात्रा किसकी पहचान मैंने आपको बता रखी है? सप्त विभक्ति की। तो आप कारण क्या लिखोगे? यहां एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो रही है, यहां एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया हो रही है, अतः प्रथम क्रिया के कर्ता रामे और क्रिया गते में सप्त विभक्ति है। पहली क्रिया का कर्ता रामे और क्रिया दोनों में सप्त विभक्ति है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक आज आपका कंप्लीट हो गया। हर एक वीडियो को, प्रथमा से लेके सप्तमी तक के वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप समझिए, और एक एक वीडियो को, एक एक विभक्ति को आप नोट डाउन कीजिए, कॉपी के अंदर लिखिए और प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि इसके बाद जब अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अनुवाद प्रकरण, उसके अंदर कारक का बहुत प्रयोग होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।